नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए वास्तु के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। ये मेरी वीडियो पार्ट 3। पहली वीडियो में मैंने बताया प्लॉट के बारे में, बंद गली के प्लॉट के बारे में। उस सेकंड वीडियो में मैंने बताया उसके अंदर बिल्डिंग आपको कहाँ और किस तरीके से बनानी है। अब तीसरी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको अपने यहाँ पर प्लांट कहाँ और किस तरीके से लगाना है। आपका अपना इसके अंदर जो प्लांट लगाने का मन है वो क्लीनिंग प्लांट, यानी कि आपका अपना, चाहे वो जीरा क्लीनिंग है या आपकी अपनी मेथी दाना क्लीनिंग है या आपकी अपनी सॉफ्ट क्लीनिंग है, अजवाइन क्लीनिंग है या आप दाले क्लीनिंग का प्लांट लगाने जा रहे हैं, या वीट यानी कि गेहूं क्लीनिंग का प्लांट लगाने जा रहे हैं, या धान क्लीनिंग का प्लांट लगाने जा रहे हैं, आप किसी भी आइटम का क्लीन यानी कि साफ करने का काम करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको अपने यहाँ पर किस किस तरीके से सेटअप लगाना चाहिए, मशीनरी एरिया कहाँ बनाना है, ऑफिस ब्लॉक कहाँ बनाना है, रॉ मटेरियल आपने कहाँ रखना है, फिनिश गुड्स आपने कहाँ रखना है, जब रॉ मटेरियल आपके यहाँ आता है तो उसका बारदाना कहाँ रखना है, फिनिश बारदाना यानी कि जिसके अंदर माल पैक होके जाएगा वो आपने मटेरियल कहाँ रखना है, बैग्स कहाँ रखने हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। और आपके यहाँ जब माल क्लीन होता है, माल की पैकिंग करते हुए, उस समय में आपके यहाँ स्टाफ का फेस किधर होना चाहिए, ऑफिस के अंदर ओनर का फेस किधर होना चाहिए और आपके अपने स्टाफ का फेस किधर होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पे लेबर क्वार्टर बनाने हैं तो वो लेबर क्वार्टर कहाँ बनने चाहिए, टॉयलेट्स बनानी है वो आपने कहाँ बनानी है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे जो ऑफिस ब्लॉक बनाना है, ऑफिस ब्लॉक आपका अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट का एरिया, जितना एरिया आपको चाहिए नॉर्थ से साउथ वेस्ट तक का, ये कंप्लीट एरिया आपने ऑफिस ब्लॉक लेके चलना है। ऑफिस ब्लॉक को आपने फर्स्ट फ्लोर पे बनाना है, ऑफिस के नीचे कंप्लीट आपकी अपनी रॉ मटेरियल की या फिर फिनिश गुड्स की स्टोरेज हो जाए। यहाँ आपकी अपनी ग्राउंड पे क्या हो जाएगी, फिनिश गुड्स की स्टोरेज हो जाएगी। यहाँ से आपका अपना माल यानी कि प्लांट भी आपका अपना कंप्लीट साउथ वॉल पर, यहाँ आपका अपना ये प्लांट लग जाएगा ईस्ट वॉल तक, जो साइज आपको अपना चाहिए। यहाँ ये पार्ट वाइज बीच बीच में पिलर भी आ जाते हैं, स्लैब जल जाती है और ऊपर कई फ्लोर में जाके प्लांट लगता है, क्योंकि जब आपका अपना रॉ मटेरियल इस एरिया में आएगा, वो रॉ मटेरियल आने के बाद जब लेबर इस रॉ मटेरियल को यहाँ खोलती है, दो प्रोसीजर है, एक तो रॉ मटेरियल को होदी बनाकर उसके अंदर खोला जाता है, होदी के अंदर एलिवेटर लगता है, वो एलिवेटर माल को ऊपर पहुँचाता है, दूसरा उस माल को मैनुअली ऊपर तक मशीन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जिसका प्लांट बड़ा होता है उसके यहाँ होदी बनती है। आज के दौर में होदी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, एलिवेटर बिल्कुल सिंपल फ्लोर लेवल के ऊपर लगने लगे हैं, क्योंकि होदी अंडरग्राउंड भी बनाई जाती है और ओवरहेड जमीन के ऊपर फर्श के ऊपर भी होदी बनाई जाती है। आप अपने यहाँ पर इस वाले हिस्से में जो साइज आपको चाहिए, ये आपकी फर्श के ऊपर होदी बन जाती है, यहाँ आपका अपना ये कंप्लीट रॉ मटेरियल आ जाता है, यहाँ तक आपका अपना रॉ मटेरियल आ जाता है, यहाँ से रॉ मटेरियल आदमी इस होदी के अंदर फर्श के ऊपर जो होदी बनी है यहाँ डालता है, यहीं इसका अपना एलिवेटर लग जाता है, एक लगाना एक लगाओ, दो लगाने दो लगाओ, ये एलिवेटर यहाँ लग के माल ऊपर उठता है, माल ऊपर उठ के इस मशीनरी वाले एरिया को सारे को माल दे देते हैं,
पहले यहाँ माल देते हैं, यहाँ क्लीनिंग होती है, फिर एलिवेटर लगते हैं, ये माल फिर दोबारा उठा देते हैं, फिर एलिवेटर लगते हैं, फिर माल ऊपर उठ जाता है, क्योंकि बार बार प्रोसेस है आपका अपना, आपका अपना क्लीनिंग, ये साफ करने का प्लांट है, क्योंकि बिना झरनों के आपका अपना प्लांट लग ही नहीं सकता। जब आपका अपना झरनों से माल क्लीन होके प्रोसेस होके माल निकलता है, वो माल भी आपका अपना ऊपर बीम में जाके स्टोर हो जाता है, वहाँ से माल पाइप के द्वारा यहाँ आपकी अपनी सोइल टैक्स मशीन लग जाती है। आप फ्रंट के हिस्से में भी लगा सकते हैं, मिड के हिस्से में भी लगा सकते हैं, पीछे की ओर करके भी लगा सकते हैं, जो साइज आपको मशीन के लिए चाहिए सोइल टैक्स के लिए। क्योंकि सोइल टैक्स क्या करती है, आपके माल के अंदर क्वालिटी को फाइन कर देती है, चुगाई कर देती है उसकी, फिर भी कोई दाना खराब आ जाता है तो उस दाने को बाहर निकाल देती है। सोइल टैक्स मशीन का काम क्या है, क्लीनिंग करने का काम है। सोइल टैक्स आपकी अपनी मशीन क्लीन कर देती है और एक तरीके की नहीं कई तरीके की क्वालिटी बना देती है। वो माल भी यहाँ से निकलने के बाद ऊपर यहाँ बीम बन जाती है, यहाँ बीम बनने के बाद यहीं से माल पैक कर दिया जाता है, पाइप के द्वारा माल नीचे आता है, या ऑटोमेटिक आपकी अपनी मशीन लगी है ऊपर, सेटअप इस तरीके से बनाया है, क्योंकि आपकी अपनी यहीं पर बैगिंग स्किल भी आपका अपना यहीं लग जाता है, वो ऑटोमेटिक ही ऊपर से माल तुल के नीचे आ जाता है। आप उसको वेइंग मशीन को आप यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और नीचे भी एक स्मॉल स्केल लगा लिया जाता है, बैग ऊपर से माल आता है, बैग में नीचे फिलअप किया, फिलअप करके वजन किया, वजन करके माल को सिलाई कर दिया जाता है, माल रख के सिलाई करके फिर से माल आपका अपना कंप्लीट फिनिश गुड्स आपका नॉर्थ वेस्ट जोन में इस हिस्से में आना ही चाहिए। क्योंकि बाकी का जो एरिया है आपका अपना, ये रूटीन में प्रोसेस में रहेगा, इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के हिस्से में आप परमानेंट फिक्स वाला माल कोई नहीं लगाएंगे। यहाँ माल मशीनों से निकलेगा, पैक करेंगे, पैक करके माल रखा, या तो उसको डिस्पैच कर दिया, डिस्पैच नहीं किया तो यहाँ से माल उठाया, नॉर्थ वेस्ट की ओर माल लाके रख लेंगे। इस तरीके से आपने अपने यहाँ पे सेटअप लगाना है। हाँ, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, आपको अपने यहाँ पे चाहे एलिवेटर लगाना है, चाहे मशीन के लिए कोई पिट बनानी है, कोशिश करें ना बनाएं, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके कंप्लीट साउथ वेस्ट तक के हिस्से में, साउथ जोन में कोई भी गहराई गड्ढा नहीं होना चाहिए। आप अपनी मशीनों को इस तरीके से फिट करें कि आपके यहाँ फर्श के ऊपर ही होदी बन जाए। आप इसी के साथ में एक काम और कर सकते हैं, यदि आपका अपना वर्क कम है, उस कम के हिसाब से इस कंप्लीट प्रोसेस को अपोजिट भी लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। किस तरीके से, इस एरिया में आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, यहाँ आपके अपने झरने आ जाते हैं, सोइल टैक्स मशीन आपके अपनी यहाँ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर फिर आपकी वो होदी बन जाती है, माल यहीं की कटेगा, यहाँ से एलिवेटर लग जाएंगे, ये माल इसमें आएगा, फिर कंप्लीट माल होते हुए सोइल टैक्स मशीन आपकी यहाँ आ जाएगी। यहाँ मशीन आने के बाद माल यहाँ फिलअप किया, यहाँ माल फिलअप होने के बाद तैयार माल हम इसी एरिया में नीचे रख लेंगे। दोनों तरीके का बारदाना, फिनिश बारदाना भी और आपका अपना जिन बोरियों में जिन कट्टों में माल आया, आपका अपना रॉ मटेरियल आया, वो बारदाना भी कहीं तो रखना पड़ेगा। उस बारदाने का स्टोर भी आप यहीं कहीं बनाएं जहाँ आपको जगह मिल जाए, वरना आप फिनिश बारदाने का स्टोर तो आपका अपना यहाँ साउथ वेस्ट में ही बन जाए। फर्स्ट फ्लोर पे आपका अपना ऑफिस कंप्लीट वेस्ट साउथ वेस्ट में बनेगा। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ से लगानी है, आप अपनी स्टेयर्स कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लगाएंगे। यहाँ स्टेयर्स लगाने के बाद ये स्टेयर्स आपकी अपनी ईस्ट की ओर टर्न कर जाएगी, ये आपका अपना स्टेयर्स आपकी अपनी ऊपर आई, यहाँ टर्न करने के बाद आपके ऑफिस की जो एंट्री बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ वॉल की बनेगी। ओनर को हमेशा ही साउथ वेस्ट जोन में बैठना है फेसिंग नॉर्थ की ओर करके, स्टाफ आपका अपना ईस्ट की ओर फेस करके बैठ जाएगा।
आपको अपने यहाँ पे लेबर टॉयलेट्स, लेबर क्वार्टर्स कहाँ बनाने हैं? कंप्लीट साउथ ईस्ट जोन में लेबर क्वार्टर बनाने हैं और उनके अपने टॉयलेट सेंटर ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर इस हिस्से में लैट बाथ बना देना लेबर के लिए, और सेफ्टी टैंक भी इसी एरिया में, यहाँ पर ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर इस एरिया में सेफ्टी टैंक बना देना, या फिर आपके यहाँ सीवर लाइन है तो वो पाइप आपके अपने यहाँ से आके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक नहीं जाएगी प्लांट के आगे से। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सेंटर में प्लॉट के केंद्र पर कोई भी पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए, कोई मेन होल नहीं बनना चाहिए, ना ही दीवार आनी चाहिए, ना ही पिलर आना चाहिए। सेंटर से या तो पहले आपकी बिल्डिंग खत्म हो जाए या फिर आगे जाके खत्म हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो सीवर लाइन आपकी अपनी आएगी वो आपकी अपनी यहाँ से होते ही यहाँ से आपकी अपनी बाहर चली जाएगी। जो यहाँ पे गार्ड रूम बनेगा, गार्ड को भी एक टॉयलेट की आवश्यकता, वो टॉयलेट भी यहीं बन जाएगी, यहीं पाइप उसके अटैच हो जाएगी। जो ओनर को टॉयलेट चाहिए, जो आपके स्टाफ को टॉयलेट चाहिए, वो टॉयलेट भी आपके अपनी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यहाँ बन जाएगी, या ऑफिस के ही साथ अटैच चाहिए तो ऑफिस के साथ अटैच करके वेस्ट वॉल पर यहाँ पर भी टॉयलेट बना सकते हैं। अंदर के ऑफिस की सेटिंग में भी मैंने आपको डायरेक्शन बता दिए कहाँ किस तरीके से। बिल्डिंग के अंदर कंप्लीट जो कलर करना है वो कलर वाइट होना चाहिए, ऑफ वाइट होना चाहिए, सीलिंग वाइट कलर की, और फ्लोरिंग में आप अपने यहाँ पर कोटा पत्थर लगाना चाहें जो कि हमारा अपना ग्रे कलर का, ग्रीनिश कलर का आता है, वो भी आप लगा सकते हैं, वरना सीमेंट कलर भी आप कर सकते हैं। और आप अपने यहाँ पे कोई ग्रेनाइट लगाना चाहते हैं बनी बिल्डिंग के अंदर, वो आप मैरून कलर का, रेड कलर का लगाते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है, लगा लीजिए, आपका अपना काम बढ़िया चलेगा। जो आपके अपनी मशीनरी रहेगी उसके ऊपर रेड ऑक्साइड कलर कराते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो कलर कंपनी की तरफ से होके आया हुआ है वो तो है, उसके अलावा जो गार्टर्स, जो प्लेटफॉर्म आपने बनाने हैं 2-3 मंजिल के, वो उस तरीके से मैरून कलर कर देते हैं या रेड ऑक्साइड कलर कर देते हैं तो आपका अपना काम कारोबार बढ़िया चलेगा। हाँ, एक बात स्पेशल मैं कहना चाहूँगा, कहीं भी आपने, जैसे आप अपना प्लांट लगाते हैं, उस प्लांट के अंदर जहाँ जहाँ वो प्लेटफॉर्म बनेंगे उन प्लेटफॉर्म की ढलान स्लोप भी साउथ की ओर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल पे लगे या फिर स्लोप उसका नॉर्थ की ओर रहे। किस चीज़ का? प्लेटफॉर्म का, या तो जीरो लेवल या फिर आपका नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर नहीं होना चाहिए। जिन फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीन दिक्कत देती है, ब्रेकडाउन देती है, आप नोटिस करें उस मशीन के आसपास का एरिया फर्श लेवल कहीं ना कहीं या साउथ की ओर स्लोप मिलेगा उसका फर्श का, या साउथ ईस्ट की ओर, या साउथ वेस्ट की ओर, या वेस्ट की ओर स्लोप मिलेगा। आप अपने मशीन के आसपास का फर्श ठीक करा लेते हैं तो आपकी अपनी मशीन की जो ब्रेकडाउन है वो दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। मैंने आपको ये जानकारी दी पार्ट 3 वीडियो में प्लांट के बारे में। आप मेरे ये तीनों पार्ट देखते हैं तो आपकी अपनी कंप्लीट एक फैक्ट्री के बारे में जानकारी हो जाती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर जरूर। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे वीडियो बनवा सकते हैं। आप हमसे अपने किसी साइट के प्रति लेआउट पर चर्चा करना चाहते हैं तो लेआउट भेजकर सलाह भी ले सकते हैं। आप हमसे अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं, नक्शा मैप बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। ये सभी सेवाएँ हमारी अपनी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रह के सीखा है, मेरे को ये काम करते हुए 25 साल हो चुके हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके अपने मन में कई सवाल जरूर आते होंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को देखें, मेरे शब्दों को सुने, समझें, आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही हैं
तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने यहां बदलाव कर सकते हैं और बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।